अपहरण हत्या बलात्कार मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन सुरागों के बिना पर मिलती है सजा, लेकिन जब कानून ही बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा इसका जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आई नजर डालते हैं आज की इन खास सुर्खियों पर। प्रेमिका से मिलने घर पहुंचे प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, पति पत्नी में विवाद, मायके वालों ने बंदूक की ताली। खूनी संघर्ष के 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। प्रेमिका से मिलने घर पहुंचे प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। मुजफ्फरनगर के केसरिया थाने के दिलावपुर गांव में कुल्हाड़ी से काटकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। हत्या को उस वक्त अंजाम दिया गया जब अभिषेक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। इस दौरान लड़की के दोनों भाइयों ने मिलकर घर में ही उसकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और फिर शव को सड़क के किनारे फेंक कर फरार हो गया। शव से कुछ दूरी पर बाइक भी बरामद हुई। 20 साल बाद अभिषेक साहेबगंज के गुलाबपट्टी के धारोपरी गांव का रहने वाला था। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों भाई फरार चल रहे हैं। इस हत्याकांड में अभिषेक की प्रेमिका ने ही अपने भाइयों के खिलाफ बयान दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। घटना के बाद लड़की अपना घर छोड़कर मृतक अभिषेक के घर पहुंची। अपने भाइयों के खिलाफ दिया गया लड़की का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने दोनों भाइयों पर कुल्हाड़ी से अभिषेक की हत्या कर आरोप लगा रही है। वहीं अभिषेक के परिजनों का कहना है कि शादी समारोह में शामिल होने की भी बात कहकर घर से निकाला था, लेकिन वो प्रेमिका से मिलने उसे घर पहुंच गया। जब देर रात तक अभिषेक नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन पता नहीं चल सका कि शनिवार सुबह उसका शव दिलावपुर भगवानपुर सड़क किनारे मिला, जिसके बाद अभिषेक के चाचा ने केसरिया थाने में FIR दर्ज कराई। पति पत्नी में विवाद, मायके वालों ने बंदूक तानी। थाने में मोहब्बतपुर गांव में पति पत्नी के आपसी विवाद की सूचना पर रविवार को मायके से आए लोगों ने ससुराल वालों पर राइफल व बंदूक तान दी। इस दौरान देवरिया पुलिस पहुंची और दोनों पक्ष के 7 लोगों के हिरासत में ले लिया। हथियार व गाड़ी भी जब्त कर ली। हालांकि रात 9 बजे तक आवेदन नहीं मिलने पर पुलिस ने सबको छोड़ दिया। करीब 9 घंटे तक सभी को थाने पर रखा गया। पुलिस ने राइफल व बंदूक भी छोड़ दी, उसे लाइसेंस बताया गया। थानाध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारियों को दी गई है। मामला पारिवारिक है। दोनों पक्षों से आवेदन मिलने पर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर मामले के कानूनी कार्रवाई की जा रही। दोनों पक्ष एक दूसरे पर कई तरह से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आवेदन नहीं दिए। लड़की के पक्ष के एक सदस्य ने फोन पर हुई बातचीत के दौरान बताया कि हमारी भतीजी की शादी मुजफ्फरपुर में हुई है। भतीजी को ससुराल वालों द्वारा अक्सर प्रताड़ित करने जाने की सूचना भी मिलती है। इसी सूचना पर हम लोग उसके ससुराल परिजनों से बातचीत करने के लिए गए थे। खूनी संघर्ष के 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमीननगर सराय कस्बे में मामूली सी बात को लेकर हुए खूनी संघर्ष के 8 आरोपियों को पुलिस ने शनिवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया। रविवार को उनका बलवे और जानलेवा हमला आदि आधारों को चालन कर दिया। अमीननगर सराय कस्बे में 26 नवंबर की शाम जाहिर वीर मोहल्ले में रहने वाले एक ही वर्ग के दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर लाठी डंडे और चाकू चल गए थे, जिसमें एक पक्ष के रविकांत शिवम रेखा घायल हुए थे, जबकि दूसरे पक्ष के सत्येंद्र राजकुमारी अभिषेक राधा आदि घायल हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पिलाना CHC पर भर्ती कराया था। पीड़ित सत्येंद्र ने भी तभी 19 लोगों को नामजद करते हुए थाने पर तहरीर दी थी। CEO बागवत DK शर्मा ने बताया कि 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से शुभम, विपिन, नवीन, मोनू, रवि, विकास, नीरज, राहुल शामिल है। सभी गिरफ्तार आरोपियों का रविवार की सुबह बलवे और जानलेवा हमले आदि की धाराओं में चालान कर दिया गया। फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।